हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। एंड हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ़ यू। आजकल कोरोना केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो जैसे लॉकडाउन में ध्यान रखते थे, बिल्कुल उसी स्ट्रिक्टनेस के साथ आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। और ये ब्लॉग शुरू किया है मैंने दोपहर से, है ये सैटरडे का, कल का। और मैं बना रही हूँ दाल चावल। दाल चावल मेरे घर में लाइक 9 out of 10 टाइम्स बनते हैं लंच में, तो क्योंकि थोड़ा सा ईजी भी रहता है, सबको पसंद आता है और मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती दोपहर में खाना बनाने के लिए, फटाफट बन जाता है और सब लोग बहुत ही चाव से खाते हैं। वैसे भी आपको पता होगा दाल चावल एंड खिचड़ी आर टू होलसम मील्स जो इंटरनेशनली अपना जो यू नो उनकी जो इम्पोर्टेंस है, वो उनकी जो सिग्निफिकेंस है वो एक्नॉलेज करा रहे हैं। तो मैं बना रही हूँ मेरी चाइल्डहुड फेवरेट काली पीली दाल। ये बेसिकली उड़द चने की दाल होती है, बट जब मैं छोटी थी तो मैं इसको काली पीली दाल ही बोलती थी और ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट दाल होती थी। एक तो ये और एक जो मलका होल होती है ना, जो डार्क कलर की होती है छिलके वाली, वो भी मुझे बहुत पसंद आती थी। मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती हैं ये वाला दाल, उड़द चना की दाल। इसे माँ छोले आदि दाल भी कहा जाता है एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी फेवरेट दाल ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। बहुत अच्छी बनती है और सौंधी सौंधी सी लगती है, आप इसे चम्मच से ही खा लेंगे। मैंने धनिया पाउडर बनाया था, तो मैं आपको बता रही हूँ जो ब्लेंडिंग जार होता है ना, उसे इमीडिएटली इस तरह पानी डालकर आप इसे एक बार फिर से पीस लीजिए। इससे क्या होता है, नीचे जो ब्लेड के नीचे जो एरिया होता है ना, वहाँ पे गंदगी नहीं जमती है। मैंने मेरा धनिया पीस लिया, निकाल लिया है, थोड़ा पानी डालकर मैंने इसको वापस से मिक्सी को चला लिया है, पानी फेंक दीजिए और देखिए बिल्कुल ही साफ हो गया। ऐसा करने से आपका जो जार है वो हमेशा क्लीन बना रहेगा। और शार्प करने के लिए आप इसमें नमक पीस सकते हैं टाइमली, मतलब पिसा हुआ नमक ही आप चला लीजिए तो आपका जो जार के ब्लेड्स हैं वो शार्प रहेंगे। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ क्लीनलीनेस के बारे में बता रही हूँ। इमीडिएटली इस्तेमाल के बाद एक बार पानी से चला दीजिए और उसके बाद सादे पानी से या विम वगैरह से धो लीजिए, हमेशा आपका जार साफ रहेगा, कोई गंदगी नहीं जमेगी। आओ सानवी खुशी, टाइम होने वाला है। यस मम्मा। शर्मा जी जा रहे हैं सानवी खुशी को लेकर, मैं घर पे ही हूँ। ये दोनों का अपॉइंटमेंट है डेंटिस्ट के साथ। एक्चुअली सानवी के जो क्या बोलते हैं उसे, मिल्क टूथ जाता नहीं है और उसके नीचे से परमानेंट टूथ आ जाता है। उसका पहले भी दांत निकलवाना पड़ा था, अभी भी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया उसका, वो एक्सट्रैक्ट ही कराना पड़ेगा उसका, और कोई और वो तो है नहीं इलाज। तो सानवी का वो मिल्क टूथ ऊपर ऊपर है और उसके अंदर से परमानेंट निकल रहा है, तो इसलिए एक्सट्रैक्शन के ले जा रहे हैं। बाय, टेक केयर, टेक केयर। और आज तो सानवी खाना नहीं खा पाएगी। आई विल मेक, आज आइसक्रीम डे, शी इज वेरी हैप्पी। आई विल मेक समथिंग दैट यू डोंट लाइक, सो दैट तुम्हें ऐसा ना लगे कि मम्मी ने अच्छा क्यों बनाया। शर्मा जी ब्रिंग सम फ्रूट्स, आई विल मेक स्मूदीज फॉर हर। बाय। और ये है मेरा दही जो मैंने कल जमाया था। सानवी क्योंकि एक्सट्रैक्शन के लिए जा रही है तो उसको ठंडा खाना ही देना है, तो मैं प्लान कर रही हूँ कुछ स्मूदीज़ वगैरह, तो इसके लिए जो सारा दही है ना, मैं इसको इस तरह छलनी में निकाल लूँगी, इससे इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा, दही गाढ़ा तैयार हो जाएगा जैसे हंकर्ड होता है। इस दही का मुझे इस्तेमाल है, ये पानी जो है ये फेंकना नहीं है। ये पानी को आप आटा लगा लीजिए, दाल में डाल दीजिए अगर आप दाल प्लान कर रहे हो, अदरवाइज़ इस पानी से करी पत्ता का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। मैं यूजुअली दही का पानी या बचा हुआ दही या फिर दही को फेंट करके छाछ बना के अपने करी पत्ता में डालती हूँ, और आपने देखा ही है भगवान की कृपा से अच्छा ग्रो हो रहा है वो। तो तीनों लोग चले गए हैं अभी बाहर, उनको आने में थोड़ा वक्त लगेगा। मीनवाइल मेरे जो 2-4 काम हैं शाम के वो मैं समेट लूँगी।
और अभी थोड़ी देर पहले शर्मा जी का फ़ोन आया था, वो बोल रहे हैं कि घर आने वाले हैं और उनको ना चाय पीने का मन हो रहा है। तो चाय तो मैं अभी नहीं पकाने रख रही हूँ, पता नहीं कितनी देर लगेगी उन्हें आने में, क्योंकि रास्ते से ना थोड़े फ्रूट्स भी लाने हैं। एक्चुअली मैंने उनको ऐसे फ्रूट लाने के लिए बोला जिससे मैं स्मूदी बना सकूँ, बिकॉज सानवी आज क्योंकि उसका एक्सट्रैक्शन है ना, तो जब एक्सट्रैक्शन होता है तो आप कुछ भी उस दिन के लिए मना करते हैं डेंटिस्ट खाने के लिए, और आपको कुछ भी क्रीमी स्मूद और हो सके तो ठंडा खाना चाहिए। तो ऐसा उसके साथ पहले भी हुआ था, मतलब उसका ये जो दांत है ना परमानेंट के नीचे, मतलब ऊपर मिल्क टूथ है और अंदर से परमानेंट आ रहा है ना, तो पहले भी उसका एक्सट्रैक्शन ही करवाना पड़ा था। तो तब भी उसको पहले तो डेंटिस्ट लोग बोलते हैं ना कि मतलब उसको आइसक्रीम देना द फर्स्ट थिंग, और उसके बाद कुछ भी इस तरह का सॉफ्ट, प्रेफरेबली ठंडा, गर्म नहीं और चबाना हो ऐसा भी खाना नहीं देना चाहिए। तो सानवी को उस एपिसोड की मेमोरीज हैं, तो शी इज़ वेरी हैप्पी कि टुडे इज़ आइसक्रीम डे। बहरहाल मैंने यहाँ पे है ना ये थोड़ा सा कर्ड, आपने देखा मैंने कर्ड निकाल के रखा है, इसका जो पानी है एक्स्ट्रा वो निकाल दूंगी और फिर ये जो कर्ड है मैं इससे सानवी के लिए स्मूदी बनाऊंगी। स्मूदी बनाने के लिए कर्ड को इस तरह पानी निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्टली जैसा होता है आप उसे वैसे इस्तेमाल कर सकते हो। बट देन वो अभी आएगी, हम लोग जब चाय वाय पियेंगे तो फिर उसका भी मन करेगा ना कुछ, तो मैं उसके लिए तब एक रेसिपी बना दूंगी, वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत अच्छी हेल्दी और बच्चों को बहुत पसंद आए, बच्चों के लिए बहुत अच्छी है इस तरह की रेसिपी है। एंड देन रात में जब हम लोग डिनर करेंगे ना, तब उसके लिए एक और कुछ मैं बोल बना दूंगी, प्रेफरेबली स्मूदी तब बना दूंगी, तो इससे उसको थोड़ा सा फीलिंग भी रहेगा और उसको प्रॉब्लम भी नहीं होगा आज खाने में। कल है ना शर्मा जी पालक लेकर आए थे, तो उनको भी और सानवी खुशी को भी पालक का जो भी कुछ मैं बनाती हूँ ना सारी रेसिपीज़ उन्हें पसंद आते हैं। तो आज मैं प्लान कर रही थी बहुत अच्छा सा पालक का एक वड़ा जैसा होता है वो बनाने का, बट सिंस आज का सानवी का अपॉइंटमेंट हो गया डेंटिस्ट के यहाँ, तो अभी तो वो मैं नहीं बनाऊँगी, मैं सिंपल सा कुछ रोटी सब्ज़ी ही बनाने वाली हूँ, सो दैट सानवी ड्रूल ना करे, फिर बच्चों को अच्छा नहीं लगता है ना। तो उसके लिए ये दोनों चीज़ें बना दूंगी, और मेरे पास थोड़ा सा पालक है वो मुझे यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर यू नो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की लाइफ ज़्यादा होती नहीं है, फिर ख़राब हो जाएगा। तो आई विल मेक समथिंग सिंपल सा विद दैट। मुझे आ रही है आज बहुत ज़्यादा नींद, आई डोंट नो क्यों मुझे आज बहुत ही ज़्यादा स्लीपी फील हो रहा है, शायद मेरी शक्ल से भी आपको लग रहा हो। मैं ना सोना चाहती थी आधा घंटा जैसा, बट देन वो डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट ऐसे टाइम का दे दिया कि फिर मैं भी नहीं सो सकती थी, कोई और भी नहीं सो पाया। वैसे हम लोग दिन में सोते नहीं हैं, बट देन रोज़ इस तरह भी नहीं होता ना, कभी कभी क्या होता है जैसे आपका लाइफ सेट है, समझिए आप शाम को 5 बजे से आपका दिन शुरू करेंगे, लेकिन समहाउ आपको 3 बजे से शुरू करना पड़ता है, तो एक वो टायर्डनेस रहती है ना व्हेन यू डोंट टेक प्रॉपर रेस्ट, बस वैसा ही लग रहा है। आई एम जस्ट काउंटिंग कि मेरा जितना भी काम है अभी शाम का वो हो जाए, तो प्रॉब्ली टुडे आई विल गो अर्ली टू द बेड। और ये देखिए दही काफ़ी देर से इस तरह रखा हुआ है छलनी में, अब इसमें से पानी नहीं टपक रहा है, ये जो पानी है ये थोड़ा सा ठंडा है, इसे अभी मैं किचन में छोड़ दूँगी, रूम टेम्परेचर आ जाएगा तो मैं इसे अपने प्लांट में डालने वाली हूँ। और ये जो हंकर जैसा तैयार हो गया ना, इसे अभी मैं विस्क कर लूँगी। देखिए स्मूदीज़ के लिए इस तरह हंकर्ड की ज़रूरत नहीं होती है, बट मैं जो रेसिपी बना रही हूँ उसमें हंकर्ड की ज़रूरत है, इसलिए मैंने इसे हैंग कर लिया था। और मैं ये पूरा अभी ही बना लूँगी, पहले मैं सोच रही थी आधा अभी बनाऊँगी आधा रात में बना दूँगी, बट देन आई वॉन्ट टू गिव इट टू शर्मा जी एंड खुशी ऑल्सो, दे वुड लव इट, इसलिए मैं पूरा भी बना ले रही हूँ। जो हंकर्ड है उसे मैंने अच्छे से फेंट लिया और स्वीटनेस के हिसाब से डाला है कंडेंस मिल्क, आप थोड़ी चीनी या जागरी पाउडर भी डाल सकते हो, चाहे तो हनी भी डाल सकते हैं। और इसके अंदर ये 2 oranges का जूस है, अराउंड 1 cup जूस है, 3/4 cup हो सकता है प्रिसाइसली, ये जूस मैंने छान करके इस मिक्सचर के अंदर डाल दिया है, और अब इसे अच्छी तरह से लंप फ्री क्रीमी स्मूथ हो जाने तक फेंट लीजिए। ये हो गया आपका ऑरेंज योगर्ट तैयार, ऑरेंज कर्ड भी कहते हैं इसे, और ये बहुत टेस्टी लगता है, बच्चों को हेल्दी भी है, बच्चों के लिए। अगर आपके बच्चे हनी खा सकते हैं ना, फिर बात ही क्या है, इसको हनी के साथ बनाइएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशनल हेल्दी भी हो जाएगा उनके लिए। स्मूथ फेंट लीजिए इसको, और ये हो चुका है ऑरेंज कर्ड तैयार। ये जो मिक्सचर रेडी हुआ है इसमें से मैं पहले सानवी के लिए एक बोल निकाल दूंगी, और उसके बाद जो बचा हुआ है ना उसे थोड़ा सा और फर्दर प्रोसेस करेंगे। सानवी चबा नहीं सकती है आज, इसलिए उसके लिए स्मूद वाला निकाल दिया है। बाकी में मैं ये जो ऑरेंजेस है ना, ये ऑरेंजेस के जो
स्लाइसेस होते हैं ना, इसको मैंने छील लिया है, बीज हटा दिए हैं और इसके ऊपर जो छिलका होता है, वेन्स होती हैं, वो हटा दिए हैं। इसके टुकड़े टुकड़े करके ये दही के अंदर डाल देंगे और फिर इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। इससे क्या है ना, बाइट आएगी आपका जो दही के साथ ऑरेंज आएगा ना, उससे एक बाइट आएगी, मोर एक्सप्लोजन ऑफ जूस होगा, तो और भी टेस्टी लगता है। एसेंशली ऐसे ही बना के खाना चाहिए, बट शानू को नहीं दे सकती इसलिए उसका बिल्कुल मैंने स्मूथ वाला निकाल दिया है। देन गार्निश इट विद सम ऑरेंज वेजेस। मैंने ये जो ऑरेंजेस हैं ये सारे छील कर रख लिए थे, तो जो योगर्ट है इसको मैं ये ऑरेंज वेजेस के साथ और थोड़े से यू नो ग्रेप्स के साथ डेकोरेट कर रही हूँ। एंड देन मिंट लीव, ये मिंट लीव सिर्फ डेकोरेशन के लिए है, ये इसके कॉम्बिनेशन में अच्छी नहीं लगती, आप खाना चाहेंगे तो भी बेकार सा टेस्ट आएगा, ये सिर्फ डेकोरेशन पर्पज से मैंने लगाई है। ओह, ये बहुत अच्छा है, जो लाइक बाहर के वो फ्लेवर्ड योगर्ट्स होते हैं ना, उसके जैसा लग रहा है। थैंक्स। खुशी के साथ शेयर कर लेना। ये तो कितना अच्छा लग रहा है, मैं इसे खाऊं कैसे? खा लो बेबी, उत्तम तुम्हारा वाला। हाँ, इसका डेकोरेट इसलिए नहीं किया, वो चबा नहीं सकती ना। हाँ। थैंक यू। ये जो बाहर के फ्लेवर्ड योगर्ट होते हैं वैसा लग रहा है ना पापा। मैं तुम्हें रात को स्मूदी दे दूंगी एक बार, डिनर के वक्त। और सब्जी की तैयारी कर रही हूँ मैं, वॉक में ले लिया है, थोड़ा सा ऑयल डाला है, सूखी लाल मिर्चे, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा हींग, ये सारी चीज़ों को हल्का हल्का भून लेंगे। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें इस तरह थिनली स्लाइस्ड अनियंस। मैं बना रही हूँ आलू पालक का, एकदम ही सिंपल और आसान सा सब्ज़ी, टेस्टी है, फटाफट बन जाता है, बच्चे भी खा लेते हैं। प्याज ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का सा भूनना है, डाल दिए हैं मैंने इसके अंदर थोड़े से हरी वाली चिलीज, इनको भी ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सौते कर लीजिए। और फिर डाल दीजिए इसके अंदर पोटैटोज़ थोड़े से छोटे छोटे काट कर। ये चीज़, ये जो रेसिपी बन रही है ना, इसमें एज सच बहुत भुनाई नहीं करनी है, थोड़ा सा आलू को डाल के भी मिक्स किया डाला है मैंने, थोड़ा नमक, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, लाल मिर्चें मैं नहीं डाल रही क्योंकि मैंने काफ़ी सारी हरी मिर्चें डाली हैं, आप हरी मिर्चें कम करके लाल मिर्चों का पाउडर डाल सकते हो। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, बहुत कुछ भी नहीं भुना है हमने, बट अभी इसको पकने के लिए छोड़ेंगे। कुछ 5-7 मिनट इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैंने पकाया है, देखिए किस तरह से आलू पर कलर आ गया है, प्याज भी एकदम ही कैरामलाइज हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, बस ऐसा ही चाहिए। इस वक्त आलू मोर देन 50% डन है, कच्चा तो है थोड़ा, वो आगे पक जाएगा, बट मोर देन 50% डन है, इसको पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। यहाँ पे इस स्टेज पे ऐड कर दीजिए पालक, एक बंच पालक था ये, साफ़ करने के बाद जो निकला है उसे मैंने धोकर चॉप कर लिया है। और इसके बाद गिव इट अ वेरी गुड मिक्स, क्योंकि आलू आधे से ज़्यादा पके हुए हैं, ये सब्ज़ी पकने में बहुत वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि आपको है ना लीफी वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ 5 मिनट में पक जाएगा। मीनवाइल आटा तैयार कर लेते हैं। आटा में मैंने डाला थोड़ा हींग, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, ये है थोड़ा सा ज़ीरा, आप अजवाइन भी डाल सकते हो, और तो और कुटा हुआ धनिया भी डाल सकते हैं। डाला है थोड़ा नमक, कटा हुआ हरा धनिया, कटे हुए हरी मिर्चें थोड़ा सा बारीक काट के मैंने ली है, और यह स्प्रिंग अनियन के ग्रीन्स, जो वाइट बल्ब्स होते हैं उनका मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ ग्रीन्स जो होते हैं ना पत्ते पत्ते, वो थोड़ा बारीक काट के मैंने ऐड कर दिया है आटे के अंदर। अब ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ना, इसको आटे में एक बार अच्छी तरह फोल्ड कर लीजिए, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप इसका आटा लगा लीजिए। ये बन रहा है स्प्रिंग अनियन का पराठा, और ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। मैं इसको बिल्कुल सादी आलू पालक की सब्ज़ी के साथ इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे दही अचार और चाय के साथ भी इन्जॉय कर सकते हो। जो स्प्रिंग अनियन के ग्रीन्स होते हैं ना, वो प्याज के जैसे नहीं होते, वो नमक के कॉन्टैक्ट में आने से बहुत पानी वानी नहीं छोड़ते हैं, तो आप ये आटा आसानी से लगा पाएंगे। मीडियम सॉफ्ट सा आटा लगा लीजिए, बहुत हार्ड या बहुत सॉफ्ट मत लगाइएगा, और इजीली बन जाता है। जैसे मेथी, या मोर प्रिसाइसली मैं बोलूँ पालक काट के जब आप डाल देते हो आटे के अंदर, तो जैसा वो टेक्सचर देता है बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर इस डो का भी होगा। आसान है गूंदने के लिए भी और रोल आउट करने के लिए भी।
आटा रेडी हो चुका है। यहाँ देखिए सब्जी भी रेडी हो गई है। आलू काट कर देखेंगे क्योंकि पालक पकने में तो कुछ टाइम लगता नहीं है। आलू के लिए हम इसे कुक कर रहे हैं और आलू भी हो चुके हैं डन। बस इसको एक अच्छा सा मिक्स दे दीजिए और ये एकदम ही सिंपल वाला आपका आलू पालक हो चुका है तैयार। ऐसी सब्जियाँ सुबह में जब टिफ़िन बॉक्स बनाना होता है ना तब बड़ी कन्वीनियंट रहती हैं। आप चॉप करके रात में ये सब चीज़ें रख दीजिए, सुबह में मिक्स करके बस 5 मिनट में ये पक जाती है। तो आलू पालक हो चुका है रेडी, आटा लगा लिया है मैंने। शानू के लिए एक बार स्मूदी बना दूँ तो फिर मैं फटाफट से जो मेरे पराठे हैं वो कर लूँगी। मैंने ब्लेंडिंग जार के अंदर 2-1 चम्मच दही और अराउंड 2 मैंगोज लिए हैं। छोटे साइज़ के आम थे ये, तो इसमें जो आम होता है ना उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। थोड़ी सी चीनी भी डाली थी, आप चाहे तो हनी डाल सकते हो। और बस सानवी का स्मूदी बोल, उसे हैंड ओवर करने के बाद मैं यहाँ पे बना लूँगी पराठे। पराठे बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे सिंपल चपाती जैसा भी बेल सकते हैं। चाहे तो जैसे मैं बना रही हूँ ना ट्राइंगल, थोड़ा परत वाला हो जाता है, क्रिस्पी हो जाता है, ऐसे भी बना सकते हो। और आप देखिए मैं इसको बहुत आसानी से शेप भी दे पा रही हूँ, बड़ा भी कर पा रही हूँ। एकदम आसान है ये पराठे बनाना। और सुबह की भागम भाग में अगर आप पराठे खाना पसंद करते हैं ब्रेकफास्ट में, तो ये वाला पराठा आप ट्राई कर सकते हो। पराठा रोल आउट हो चुका है, बस इसे सेक लेंगे। मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप तेल या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एंड दीज पराठाज टेस्ट वेरी यमी, थोड़े से अच्छे भी हैं। डिफरेंट पराठा है, ग्रीन अनियन का पराठा है, और जैसा मैंने कहा ये अचार दही सब्ज़ी के साथ अच्छे लगते हैं, बट आई लव देम विद चाय। बट अभी मॉर्निंग नहीं है ना तो चाय नहीं बनाया मैंने, सादा सा सब्ज़ी बनाया है। ये सुबह सुबह आप बनाइएगा, जैसा कि मैंने कहा अगर आप पराठा लवर्स हैं ना, बहुत फैमिलीज़ में सुबह परमानेंटली पराठे ही बनते हैं ब्रेकफास्ट में। अगर आपके घर में भी ऐसा है तो ज़रूर ज़रूर मेरे कहने से एक बार आप इसे ट्राई देना सुबह में, आपको अच्छा लगेगा ये। तो फटाफट से सारे पराठे मैं सेक लूँगी, एकदम यमी क्रिस्पी। बहुत सी सुगंध आ रही थी इनकी जब मैं इनको पका रही थी। सारे पराठा जल्दी से तैयार कर लेती हूँ। सानवी को मैंने, आपने देखा, स्मूदी बना के दे दिया, उसके बाद वो सो गई है। और खुशी ने खाया आलू पालक का सब्ज़ी एंड पराठा, और वो दोनों सो ही नहीं है, वो दोनों अपने रूम में हैं। दे टेक अभी तो टाइम सोने में, 5 से उनके स्कूल वापस खुल रहे हैं, न्यू सेशन, तो तब वापस वो लोग टाइम से जागना सोना शुरू करेंगे। अभी तो वो लोग को मस्ती लगी हुई है। और हम लोगों ने शुरू किया था यह मूवी जिसका नाम है टेनेट। इसका ना मैंने ट्रेलर देखा था, बहुत अच्छा, बहुत इम्प्रेसिव था। तो मैंने शर्मा जी को बोला था कि जब मूवी आएगी तो हम लोग देखेंगे, और अभी ये मूवी मिल गया। आई डोंट नो नेटफ्लिक्स पे है कि कहाँ है, आई एम नॉट वेरी श्योर। और ये क्रिस्टोफर नॉलन का मूवी है, उनका पहला जो भी मूवी थे ना, मैंने इंसेप्शन देखा, मुझे 2 बार में समझ आई। पहली बार में मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था, वो टाइम एंड लूप एंड ऑल, उस तरह की फिल्म होती है ज़्यादातर क्रिस्टोफर नॉलन की। तो मुझे इंसेप्शन भी मैंने एक बार देख लिया, आधी चीज़ें समझ आई, आधी चीज़ें नहीं समझ आई, फिर दोबारा देखा, फिर जाके मुझे इंसेप्शन का जो स्टोरी था, जो उसका एसेंस था, वो समझ आया। सेम हैपन्ड विद मी जब मैंने इंटरस्टेलर देखा, पहली बार में मुझे वो भी समझ में नहीं आई, फिर दूसरी बार देखा तब मुझे वो समझ आया। एंड देन दिस टेनेट थिंग, मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा है। आज मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, मैंने मूवी देखा, मतलब बिट्स एंड पीसेस समझ आते हैं, एंड देन बिट्स एंड पीसेस समझ नहीं भी आते हैं। तो जब आप फिल्म देखते हो ना तो आपको हर डायलॉग हर सीन समझ आना चाहिए, तो अंदर एक ना संतुष्टि से मिलती है कि हाँ वो मूवी मुझे बहुत पसंद आया करके। मुझे ये मूवी अभी पहली बार देखी है ना तो आधी ही समझ आई है, थोड़ी बहुत समझ आई है, थोड़ी बहुत नहीं समझ आई है। इसे कोई और टाइम मैं फिर से देखूंगी, क्योंकि मुझे देखनी तो है। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ क्रिस्टोफर नोलन, उनका जो डायरेक्शन स्टाइल है आई लाइक दैट। इट्स जस्ट दैट कि मुझे एक बार में समझ नहीं आती है।
एंड इट्स ओके, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बहुत स्मार्ट हो, मैं नहीं हूँ उतनी स्मार्ट, बेसिकली आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन। और मुझे है ना एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करनी है, आई थिंक आई हैव मेड इट वेरी क्लियर पहला भी किसी वीडियो में कि आई एम नॉट प्रेग्नेंट। आप लोगों ने मुझे पूछा था, बहुत लोग इस तरह के कमेंट कर रहे थे मे बी मेरा वेट गेन को लेकर, मैंने तभी भी बिल्कुल क्लियर किया था कि आई एम नॉट प्रेग्नेंट। हाँ आई वॉन्ट टू बी मॉम अगैन बिकॉज समवेयर इनसाइड मी आई फील समवेयर कि मुझे वापस यू नो बेबी कैरी करना, बेबी रेज करना, वो फीलिंग एक बार और मैं रिलीव करना चाहती हूँ। बट हैविंग सेड सो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अभी मुझे इस तरह का कोई मेरा प्लानिंग है, फ़िलहाल नहीं है अभी, राइट नाउ आई एम नॉट प्रेग्नेंट। नियर फ्यूचर में भी आई एम नॉट वेरी श्योर, मैं इस चीज़ को हाँ भी नहीं कह सकती हूँ कि येस वी आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, ना भी नहीं कह सकते कि नो 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 अब वी विल नॉट प्लान फॉर अ बेबी। कभी कभी मेरा दिल बोलता है कि नहीं अभी दो बच्चे हैं हमारे, हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है, फिर कभी कभी मन करता है कि यार इसमें क्या हर्ज है, अगर हम चाहते हैं एक और बेबी, सारी में खुशी चाहते हैं कि दे वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद द बेबी, तो इट्स ओके। तो अभी इस बारे में हम लोगों ने कोई डिसीजन नहीं लिया है, बट एट दिस पॉइंट One thing that I could clearly tell you is I am not pregnant। और इस पर भी मुझे बहुत लोग बहुत अजीब बातें लिख जाते हैं बहुत गंदी तरह से कि 1000% प्रेगनेंट है क्योंकि इसको लड़का चाहिए। इन फर्स्ट प्लेस आई एम नॉट प्रेगनेंट, सेकेंड बात आप मुझे अगर जानते हैं, आपने मेरे पुराने भी व्लॉग्स देखे हैं तो आपको पता होगा मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आने वाला बेबी लड़की है कि लड़का है। और मुझसे भी ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड इस चीज़ के फर्म बिलीवर हैं कि जो आने वाला बेबी है वो एक बेबी है, वो लड़का या लड़की के हिसाब से हम लोग ने कभी भी नहीं सोचा फॉर गॉड्स सेक। तो बस इतना ही कहना था मुझे, अगर फ्यूचर में ऐसा होता है तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। हाँ वो ऐसा ड्रामेटिक नहीं होगा कि मैं आपको वो प्रेगनेंसी किट एंड ऑल दैट उस तरह से दिखाऊँ, नहीं, पर अगर रहेगा तो आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू। और अभी नहीं है तो वो भी मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि बेबी बॉय चाहिए इस वजह से इस बारे में सोचा जा रहा है, नॉट एट ऑल। एंड आई होप वो लोग जो मुझे प्यार करते हैं, जो मेरी बातें समझते हैं, वो डेफिनेटली समझ जाएंगे मुझे, पहले भी समझाई ही है आपने। और जिन लोगों को नहीं समझना है उनके लिए वर्ड्स हो गया, एक्शंस आर नॉट इनफ। तो आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर, और इसके साथ आगे हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो और रेसिपीज़ आपको पसंद आई हैं। जल्दी ही मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी रखें अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।